थाना अधीन नगर क्षेत्र के लिप्टिस के बाग में गौवंशीय पशुओं के वध का प्रयास कर रहे दो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर की गई फायरिंग। दोनों बदमाश घायल। मौके से दो गौवंशीय बैल व वध करने के उपकरण तथा पुलिस टीम पर फायर करने में प्रयोग किए गए एक पौनिया 12 बोर, दो जिंदा व दो खोखा कारतूस, जिनमें से एक कारतूस नाल में फंसा हुआ तथा एक तमंचा 315 बोर, मय 3 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ तथा एक मोटरसाइकिल TVS स्पोर्ट्स नंबर UP 22 AK 8826 बरामद। करीब 11:30 बजे सूचना मिली थी कि अजीत नगर थाना क्षेत्र में कहीं गौकशी की जा रही है, तैयारी चल रही थी गौकशी की। तो सूचना पर अजीत नगर रेस्टो गए, सुभाष मौके गए और साथ में उन्होंने SPD टीम को लिया। जब मौके पर पहुंचे तो चार बदमाश थे जो दो बैलों को काटने की तैयारी कर रहे थे, उनके पास सारे औजार थे। पुलिस ने उन्हें ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया, उसमें हमारे एक सिपाही इंजर्ड हुआ। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उनके दो के पाँव में गोली लगी, दो बदमाश वहाँ से भाग गए। मौके से हमें दो बैल मिले जिंदा, उनके साथ जो जानवर काटने के औजार होते हैं वो मिले हैं और जिस तमंचे से इन्होंने फायर किया 315 बोर का वो मिला है और एक अड्डा मिला है 12 बोर का और एक मोटरसाइकिल यूज़ की थी इन्होंने जो आने के लिए वो मिल गई है। एक मोटरसाइकिल तो बदमाश हो गया, तलाश जारी है, कॉम्बिनेटरी स्ट्रेंथ चल रही है। अच्छा, जो कोई घायल भी हुआ है सिपाही को? हाँ, सिपाही हमारे घायल हुआ है, हल्की मामूली चोट आई है, इसको फर्स्ट एड दे दिया गया, रेस्ट उसको करवा रहे। अच्छा, ये जो दोनों बदमाश के हिस्ट्री शीटर हैं? हाँ, दोनों का नाम भूरा है, एक भूरा हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 6 मुकदमे हैं थाना सिद्धार्थनगर से, दूसरों के ऊपर 3 मुकदमे हैं। बाकी इनकी केसेस खंगाले जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बगल के जनपद